Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ संगत एंड पंगत सिस्टम ऑफ सिखिज्म जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ. आई होप जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देख रहे हो. इनकेस आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उन वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद अ टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 4, वट डू यू नो अबाउट संगत एंड पंगत सिस्टम ऑफ द सिख, वट वॉज देयर सिग्निफिकेंस. तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. गुरु नानक देव जी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इस्टैब्लिश्ड टू वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, संगत एंड पंगत. तो गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिखिज्म धर्म को फाउंड किया था उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं सिस्टम जो था वो शुरू किया था. एक था संगत और दूसरा था पंगत, विच पेव्ड द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, जिसकी वजह से जो सिख धर्म है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश किया, इस्टैब्लिश्ड हुआ और धीरे धीरे लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया. नो रिलीजन एंड सोशल एक्टिविटी ऑफ द सिख इज़ कंसिडर्ड कम्प्लीट विदाउट संगत एंड पंगत. तो सिखिज्म धर्म का कोई भी त्यौहार चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो वो पूरा नहीं माना जाता है जब तक उसमें संगत और पंगत जो है वो कम्प्लीट ना हो, उसकी कोई भी एक्टिविटी ना की जाए. नाउ आपने हेडिंग डालनी है संगत. अब इसका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं कि संगत का क्या मतलब है. द वर्ड संगत मीन्स गैदरिंग फॉर रिलीजियस वर्शिप. संगत का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठे होना धार्मिक वर्शिपिंग के लिए, कि भगवान की हमने वर्शिपिंग करनी है, पूजा पाठ करना है, उसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं. इट वॉज़ द ड्यूटी ऑफ द संगत टू एंगेज इन भजन. अब इस संगत में इकट्ठे हुए सारे लोगों की यही ड्यूटी होती है कि आपने भजन कीर्तन करना है. सेकेंड पॉइंट, फैक्टर्स विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग ट्रेवल्स ही फाउंडेड दैट द पीपल वर डीपली इन्वॉल्व इन ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, फॉल्स रिचुअल्स एंड कस्टम. जब गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म धर्म को फाउंड किया तो उन्होंने जब अपनी ट्रैवलिंग की इंडिया के हर डायरेक्शन में वो गए और तब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो अंधविश्वास में बहुत बिलीव करते हैं, जो फॉल्स रिचुअल्स हैं, जो गलत रीति रिवाज है उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण्स उनसे करवा रहे हैं. तो जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उन तक जो है सही नॉलेज पहुंचनी चाहिए, सही गाइडेंस जो है वो मिलनी चाहिए. इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दीज सोशल एंड रिलीजियस इवेंट्स ही फाउंडेड संगत. तो इसीलिए वो चाहते थे कि लोग जागरूक हों, उन्हें पता लगे कि असली वर्शिप का मतलब होता क्या है. इसीलिए उन्होंने संगत को फाउंड किया ताकि संगत ने लोग आए, भगवान का भजन कीर्तन करें. सेकेंडली, वेलकम पीपल ऑफ ऑल शेड्स एंड रिलीजन हु वर्शिप गॉड टुगेदर. और दूसरी बात यह है कि संगत के अंदर किसी भी धर्म, जाति के, क्लास के लोग आ सकते हैं, किसी को भी मनाही नहीं है. तो इसीलिए ये यूनिटी का प्रतीक है, ये इक्वालिटी का प्रतीक है कि संगत के अंदर सब लोग मिलकर जो है गॉड की वर्शिपिंग करेंगे. इसीलिए गुरु नानक देव जी ने संगत सिस्टम को स्टार्ट किया था. थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संगत बाय नानक एट करतारपुर. आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रेवल नानक सेटल डाउन विद हिज फैमिली एट करतारपुर. जैसे कि हमें पता है कि जब गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट मिला, जब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने चारों डायरेक्शंस में इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर जगह जाके लोगों को अवेयर किया, उन्हें जो है सही वर्शिपिंग का मतलब समझाया और जो सिखिज्म धर्म है वहाँ तक पहुँचाने में मदद की. अब जब वो ट्रैवलिंग करके वापस आए तो नानक देव जी जो है उन्होंने करतारपुर के अंदर सबसे पहले जो है संगत सिस्टम को इस्टैब्लिश किया. हेयर ही फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ संगत. इट वॉज लार्जली ज्वाइंड बाय हिज फॉलोअर्स हु डेली पार्टिसिपेटेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर. और करतारपुर के अंदर बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते थे, जिन्होंने सिखिज्म धर्म को अपनाया, तो उन्होंने संगत सिस्टम में आके सुबह और शाम की जो प्रेयर्स हैं वो करनी स्टार्ट की. तो संगत सिस्टम की शुरुआत हम कह सकते हैं कहाँ से हुई, करतारपुर से. फिर फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर संगत. आफ्टर हैविंग लेड द फाउंडेशन ऑफ संगत एट करतारपुर अदर सिख गुरुज सेट अप अ चेन ऑफ संगत्स और धर्मशालास और टेम्पल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड अब्रॉड. अब एक बार जब गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में संगत सिस्टम को एस्टैब्लिश किया और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोगों ने उसको अपनाया, वहाँ पर आकर प्रेयर्स करनी स्टार्ट की, तो जैसे ऐसे जो गुरु हैं, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमें पता है 10 गुरु हैं
सिखिज्म के अंदर, तो उन्होंने भी जो है फ्यूचर के अंदर इंडिया में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर संगत सिस्टम इस्टेब्लिश करना शुरू किया, वहाँ पर धर्मशालाज बनाए, टेम्पल्स बनवाए, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज़ में भी गुरुद्वारे जो है संगत सिस्टम जो है इसको स्टार्ट करवाने के लिए टेम्पल्स वगैरह बनवाए गए। तो इसी तरीके से जो सिखिज़म धर्म है धीरे धीरे जो है वो इस्टेब्लिश होता गया और पॉपुलर होता गया पूरी दुनिया में। नेक्स्ट हेडिंग है सिग्निफिकेंस यानी क्या इंपॉर्टेंस है संगत सिस्टम की। फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक की यानी संगत सिस्टम के थ्रू गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, लोगों तक उनकी जो बात है ह्यूमैनिटी इक्वालिटी ब्रदरहुड कोऑपरेशन ये सारी बातें जो है संगत को सिखाई जाती हैं जब वो वहाँ पर वर्शिपिंग के लिए आते हैं। सेकंड कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड की हमें सबके साथ कोऑपरेट करना है चाहे वो किसी भी धर्म जाति या क्लास का हो, और ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, यूनिटी मेंटेन करके रखनी है हमें समाज के अंदर। थर्ड पॉपुलैरिटी ऑफ सिख रिलीजन, जब जनता वहाँ पर आएगी वो वर्शिपिंग करेगी तो जिससे क्या होगा वो सिखिज़म धर्म के बारे में सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, जिसकी वजह से जो सिखिज़म धर्म है धीरे धीरे पॉपुलर होगा। फोर्थ वीकेंड द कास्ट सिस्टम, इट वीकेंड द कास्ट सिस्टम बिकॉज इन द संगत पीपल ऑफ ऑल द कास्ट कलर क्रीड सैट टुगेदर एंड वर्शिप गॉड। जैसे कि पता है कि संगत सिस्टम के अंदर कोई भी कास्ट या कलर या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो संगत का पार्ट बन सकता है और भगवान का जो भजन कीर्तन है जो पूजा पाठ है वो कर सकता है। देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई लो रिच और पुअर, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है कमज़ोर होता है। पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ धर्मशालाज एंड देन गुरुद्वारास, द सेक्रेट प्लेस वेयर द सिख संगत मेट एंड रिसाइटेड द हाइम्स टुगेदर विद द पैसेज ऑफ टाइम केम टू बी नोन एज धर्मशालाज। अब जो ये पवित्र जगह है जहाँ पर सिख संगत मिलती है और जहाँ पर भजन कीर्तन गाए जाते हैं भगवान की वर्शिपिंग की जाती है, पहले उन्हें धर्मशालास कहा जाता था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इन धर्मशालास को गुरुद्वारास का नाम दे दिया गया। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि संगत सिस्टम से अल्टीमेटली गुरुद्वारास जो है वो बनने स्टार्ट हुए पूरे इंडिया में। नेक्स्ट हेडिंग है पंगत, तो यहाँ पर पंगत और लंगर सेम ही मीनिंग है, अगर एग्जाम में पंगत सिस्टम आए या लंगर आए तो दोनों का मतलब जो है सेम है। अब यहाँ पर मीनिंग देखते हैं, पंगत वॉज अनदर इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी, तो पहला सिस्टम गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था संगत और दूसरा सिस्टम था पंगत। द फूड वॉज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द संगत, तो संगत जो वर्शिपिंग कर रही है गॉड की वो मिलकर जो है खाना बनाएंगे एंड टू बी सर्व टू द पीपल हु आर सिटिंग इन रो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कलर एंड क्रीड, और जो लोग हैं उनको मिलकर जो है वो खाना खिलाएंगे और जिनको भी खाना दिया जाएगा वो एक रो में बैठेंगे नीचे, और उसके लिए कोई भी धर्म जाति कलर जेंडर कुछ भी नहीं होगा, सब जो है मिल बांट कर वहाँ पे खाना खाएंगे, उनको लाइन में बिठाया जाएगा, तो जिससे जो है समाज के अंदर यूनिटी इक्वालिटी ब्रदरहुड कोऑपरेशन ये सारी फीलिंग्स जो है जनरेट होंगी। तो यही सोचकर जो है लंगर सिस्टम या हम कह सकते हैं पंगत सिस्टम जो है गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर्स विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लंगर सिस्टम, तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम को शुरू किया। सोशल कंडीशन ऑफ द शूद्रास वर वेरी बैड, जैसे कि मैं पता है हिंदुइज्म के अंदर चार कास्ट मेन होते थे, सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स होते थे और सबसे नीचे शूद्र जो शेड्यूल कास्ट है जिनको शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है जिनको अनटचेबल समझा जाता था, जिनके साथ बैठकर ब्राह्मण्स जो है कोई भी धार्मिक एक्टिविटी नहीं करते थे, तो उनकी जो कंडीशन थी सामाजिक कंडीशन वो बहुत ही बुरी हुआ करती थी। द ब्राह्मण्स एंड द अपर क्लासेस इल ट्रीटेड द लोअर क्लासेस, जो ब्राह्मण्स थे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ करता था लोअर क्लासेस के साथ। डिड नॉट अलाउ देम टू सिट नियर देम, वो बिल्कुल भी अपने पास तक उन्हें बैठने नहीं देते थे, जो मंदिर है वहाँ पर जाने नहीं देते थे, एक कुएं में से पानी तक नहीं पीने देते थे, तो बहुत बुरी कंडीशन हम कह सकते हैं जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी हुआ करती थी। गुरु नानक कुड नॉट टॉलरेट दिस डिस्क्रिमिनेशन, अब जो गुरु नानक देव जी ने समाज के अंदर ये सारा कुछ होते देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि वो भी जो है इक्वल ह्यूमंस हैं, उनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सारी कंडीशंस को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने फिर लंगर सिस्टम शुरू किया कि लंगर सिस्टम के अंदर कोई भी जाति का कोई भी धर्म का कोई भी जेंडर का इंसान आए वो भगवान की भजन कीर्तन करे, संगत का पार्ट बने, वो लंगर जो है वो लंगर खाए बैठ के नीचे, तो जिसकी वजह से समाज के अंदर एकता जो है वो इस्टेब्लिश होगी। नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ
पंगत सिस्टम. तो सबसे पहले है वननेस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग द पीपल. तो पंगत सिस्टम से लोग जो है यूनाइटेड फील करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे. तो ब्रदरहुड वाली फीलिंग जो है लोगों में जनरेट होगी. सेकेंड, हेल्पफुल टू एंड कास्ट सिस्टम. जैसे कि हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम था, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था. पंगत सिस्टम के कारण कास्ट सिस्टम जो है सोसाइटी से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ. ऑल द पीपल टुक फूड टुगेदर विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. सब लोग जो है चाहे किसी भी कास्ट या जेंडर के हों, सब लोग एक साथ मिलकर जो है लंगर खाया करते थे. तो जिससे कास्ट सिस्टम जो है धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ सोसाइटी के अंदर. थर्ड है सोशल सर्विस. ऑल सिख ज्वाइन प्रिपेयर द लंगर सर्व्ड एंड एट इट टुगेदर. अब जितनी भी सिख संगत है वो सब मिलकर वहाँ पर जो है लंगर बनाया करते थे और मिल बांट कर वहाँ पर खाया करते थे. आफ्टर लंगर ऑल क्लीन यूटेंसिल्स एंड रेंडर अदर सर्विसेज. और लंगर खाने के बाद सब लोग मिलकर जो है जो बर्तन धोया करते थे और साफ सफाई का काम किया करते थे. तो इससे जो है समाज में सर्विस देने का जो उनकी ड्यूटी है समाज के प्रति, वो भी लोगों में जनरेट होती है. तो सोशल सर्विस को जगाने के लिए भी पंगत सिस्टम बहुत सही था. फोर्थ है सोर्स ऑफ चैरिटी. सिख नाउ स्टॉप्ड गिविंग चैरिटी टू द हिंदू इंस्टीट्यूशन. जब सिखिज्म धर्म नहीं आया था तो इससे पहले जितने भी हिंदू थे वो सारे जो है ब्राह्मण्स को दान दिया करते थे, यज्ञ करवाया करते थे. बट जब सिखिज्म आ गया तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके मेंबर्स बने, संगत और पंगत सिस्टम को सपोर्ट किया. और उसके बाद लोगों ने जो है लंगर सिस्टम के लिए डोनेशंस देने शुरू किए, चैरिटी देनी शुरू की. तो इसकी वजह से जो है सोर्स ऑफ चैरिटी लोगों में जनरेट हुई कि लोग जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं दान करके. लास्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड हेल्प. द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर प्रोवाइडेड अ सोर्स ऑफ मच हेल्प टू द पुअर एंड निडी, ऑल्सो अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी. तो लंगर सिस्टम जो है उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल था जिनको ज़रूरत है, जो नीडी लोग हैं. और उसके अलावा जो शरणार्थी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं, जो जिनका कोई अपना कोई घर नहीं है, शरणार्थी हैं, तो उन सब के लिए भी पंगत सिस्टम बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.